एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या बताया आपको। पॉलीमराइजेशन मैंने कुछ किया है, कैल्शियम कार्बाइड कार्बाइड है, पानी में या एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट एसिडिक में, आप जैसे ही डालेंगे इसको, पाउडर होता है सफ़ेद पाउडर, एसिटिलीन गैस यूज़ की जा बनती है। इसका आप यूज़ कर सकते हो, वेल्डिंग में यूज़ कर सकते हो, जो पेड़ फल होते हैं, कच्चे फल होते हैं, एप्पल हुआ या कुछ भी इस तरह का रहा, उन आम हुआ यानी मैंगो हुआ, उसको पकाने में यूज़ कर देते हो, तो कई बार क्या देता है, इस पाउडर का बहुत कम क्वांटिटी फलों के ऊपर लगा दी जाती है, जैसे एसिटिलीन हो, और एसिटिलीन जो आपका फ्रूट है उसको पकाने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो उसका भी मैं नहीं ले रहा, बायो में क्या इसका यूज़ है, मैं तो इसको केमिस्ट्री में क्या यूज़ है वो देख रहा हूँ। तो बनी हुई एसिटिलीन को अगर आपने रेड हॉट आयरन के ऊपर डाला तो आपको कपल रिएक्शन देखने को मिलेगी कुछ इस तरह की, ये एक मॉलिक्यूल दूसरा और तीसरा, तो ये शिफ्टिंग होगी और आपको फाइनल कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा इस जगह, बेंजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कपलिंग रिएक्शन है। लेकिन अगर आपने मैग्नीशियम कार्बाइड लिया तो बनने वाली गैस एसिटिलीन नहीं होती, क्या होती है, प्रोपाइन, वो तो इथाइन है, अब ये क्या बन गया, प्रोपाइन। और जब आप रेड हॉट के साथ इसको गर्म करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पे CH3 दिखेगा बेंजीन में, यानी 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन देखने को मिलेगा, जिसका कॉमन नेम क्या है, मैसिटाइलिन। इसकी खास बात है मैसिटाइलिन की, और वो ये क्या है कि इसके अंदर जितने 1 डिग्री हैं उतने ही 2 डिग्री हैं, उतने ही 3 डिग्री कार्बन है। देखो 1 डिग्री वाले कितने कार्बन है, 3, और 2 डिग्री वाले कितने हैं, 3, और 3 डिग्री वाले भी कितने हैं, 3। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बनों के नंबर सेम हो, कौन सा है, मैसेटिलीन। ठीक है, तो ये इसकी खास बात आ गई। दूसरा, अगर हम यही कपलिंग रिएक्शन NH3 के साथ देखें तो हमें पायरोल, और अगर हमने सल्फर के साथ देखा तो हमें थायोफ्यूरेन, फ्यूरेन होता है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर जब भी आ जाता है तो हम थायो लगा लेते हैं, थायो फ्यूरेन। तो ये छोटे छोटे बात हमारे सारे क्लियर है, क्लियर है। तो अब आगे लिखें इसको,